हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती, आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इसमें पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए केमिस्ट्री, और इसमें हमने फर्स्ट बुक स्टार्ट किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है ट्रांजिशन सीरीज, उस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। तो इसमें हम देखेंगे, हमने लास्ट टर्म पर भी पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, वो डी ब्लॉक मेटल्स का कैसा होता है, कि जो उसमें स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका मैग्नेटिक बिहेवियर मोस्टली पैरामैग्नेटिक होता है, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसमें डायमैग्नेटिक होता है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हमें पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक से ज़्यादा वेरिएबल एक से ज़्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो रिप्रेजेंट करते हैं एन माइनस वन और एन शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से। एन माइनस वन शेल और एन शेल, आउटर शेल और इनर शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इसकी वजह से वो एक से ज़्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितनी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसमें देखो, इन डी ब्लॉक एलिमेंट विल रिप्रेजेंट मोर देन वन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल। डी ब्लॉक मेटल्स का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करते हैं उसमें जो आउटर शेल और इनर शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की वजह से ये एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। इन डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन आउटर शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल। आउटर शेल कौन सा होता है हमारा? आउटर शेल होता है इसमें 4s, और पेनल्टीमेट शेल होता है n माइनस वन और 3d शेल। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज सेल्स इज मिनिमम। जो आउटर शेल और पेनल्टीमेट शेल होता है इनके बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, और एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से ये ईजली बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो आउटर शेल है हमारा, यानी कि 4s शेल है और 3d शेल जो है, इसके बीच जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो दीज एलिमेंट विल रिप्रेजेंट मोर देन वन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी वजह से ये एक से ज़्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। बट जेड एन सी डी एच जी, जो कि ये तीन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक सीरीज में सबसे लास्ट में होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं, और जो थ्री डी फोर डी फाइव डी सीरीज होती है इसमें लास्ट वाले एलिमेंट्स जो हैं फुल फिल डी सबशेल होता है इनका। जो लास्ट वाला ये पेनल्टीमेट शेल जो होता है ये कम्प्लीटली फुल होता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ओनली एस इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये तो हमारा ये वाला शेल तो हमारा फुल हो जाता है 3D वाला, तो इसमें जो 4s वाला शेल है सिर्फ ये ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग के लिए, और इसी वजह से ये सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करता है, एक से ज़्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करता है। तो ये तो हो गई हमारी बात कि ये कैसे शो करते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितनी वैलेंसी शो करता है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे इसमें देखेंगे कौन सा एलिमेंट कितनी वैलेंसी शो करेगा। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सा एलिमेंट कितनी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा, एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करते हैं, और जो आउटर शेल और पेनल्टीमेट शेल होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इधर आएगा, और ये जो लास्ट है इसमें हम लिखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितनी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले एलिमेंट से। डी ब्लॉक सीरीज का पहला एलिमेंट है 21sc,
अब हम ये देखेंगे कि ये कितनी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो क्या आता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाले दो ले लेंगे, आउटर शेल और पेनल्टीमेट शेल इसमें हम लेंगे और इनका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो 4s2 के लिए, 4s2 के लिए और 3d1 के लिए, 4s2 और 3d1 के लिए। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 हो गए। अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले एस के लिए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले वैलेंसी क्या होगी, +2। सबसे पहली वैलेंसी क्या होगी, +2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंसी क्या होगी, +2। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, +2 और +3। ये हो गई 21sc की वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 21sc जो होगा +2 और +3 स्टेट में हो सकता है, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है। जो सेकंड एलिमेंट है हमारी डी ब्लॉक सीरीज का, वो है 22Ti। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 4s2 3d2 हो जाएगा। अब ये वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल यहाँ पे रखो और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, ये हो जाएगा 4s2 और 3d2। फोर एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 हो जाएगा, और 3d में ऐसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, एस जो सबशेल है हमारा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी दिखाएंगे, +2, और यहाँ पर +3 इस इलेक्ट्रॉन के लिए और +4 सेकेंड वाले के लिए, हो गया। तो यानी कि 22Ti जो है +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। थर्ड एलिमेंट है 23V। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d2 की जगह 3d3 होगा। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 3d3 के लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, ये 4s हो गया और ये 3d3 हो गया, एक 4s और एक हो गया 3d3। इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी कैसे लिखेंगे हम, s में कितने हैं, +2 और 3d3 के लिए +3 +4 +5, इसके लिए हो जाएगा +3 +4 और +5, यानी कि जो 23v है, 23v +2 +3 +4 और +5, कितनी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है ये, 1 2 3 4, यानी कि एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें नेक्स्ट एलिमेंट देखो, 24 Cr जो है
इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये देखो 24Cr का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉय के बेसिस पे स्टेबल नहीं मानते, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं स्टेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं। तो इसमें सब देखो अब क्या करेंगे, पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 24Cr का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 ये मानते हैं हम ऑफ बॉय के बेसिस पे। अब हम इसका क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के बेसिस पे। तो ये एलिमेंट्स, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p तक तो ऐसे ही हो जाएगा, 4s2 की जगह क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5। तो अब हम क्या करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे भरेंगे, इसमें 4s1, 4s2 और 3d4 ये तो हो गया ऐसे। ये किसके बेसिस पे हो गया, ऑफ बॉय के बेसिस पे, ऑफ बॉय रूल फॉलो करके। इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स भरो, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे 1, 2, 1, 2, 3, 4 टी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बेसिस पे करेंगे स्टेबिलिटी के बेसिस पे। तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5। तो 4s1 और 3d5 के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे 4s1 और 3d5 इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 3d में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो कि इसकी वैलेंसी हम कैसे लिखेंगे, इसकी वैलेंसी कैसे लिखी जाएगी। सबसे पहले तो ये देखो एस में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, एस में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, एस में यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1। फिर यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने 2 प्लस 2। फिर अब आगे बढ़ते चले जाओ इसमें प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कितने हो गए प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6 3 4 5 6 ये हो गई इसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। सबको पता है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, किस में रिप्रेजेंट करते हैं प्लस में। तो ये तो हो गया 24Cr के लिए, समझ में आ गया कि ये कैसे हो गया। अब आगे करेंगे 25Mn के लिए, 25Mn इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4s2 3d5, क्या हो जाएगा 4s2 3d5। 4s2 3d5 के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हमने, अब इसकी में क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 4s2 3d5 इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 3d में कितने 5, 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम क्या करेंगे इसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। वैलेंसी कैसे लिखेंगे अब हम इसकी, जैसे नॉर्मली इन एलिमेंट्स की लिखते आए हैं तो ये क्या होगी प्लस 2, क्या हो गई ये प्लस 2, आगे प्लस 3 4 5 6 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 कितनी वैलेंसी शो कर दी इसने प्लस 2 3 4 5 6 7 यानी कि 25 mn जो है वो
कैसी स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है? एमएल प्लस टू में भी हो सकता है, थ्री में भी, फोर में भी, फाइव में भी, सिक्स और सेवन। इतनी वैलेंसी का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 25 mn शो कर सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है, ये तो हो गए स्टार्टिंग के एलिमेंट जिसमें है डी सबशेल, यानी कि पेनल्टीमेट शेल जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड हैं। अब 25 mn के बाद से हमारी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, किसमें? डी सबशेल में। डी सबशेल में जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो जो डी सबशेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको स्किप कर देते हैं, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा हम उसको स्किप कर देंगे, और फिर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे उसमें डी सबशेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे फिर उसके बेसिस पे हम इसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो इसमें देखो जो 26 Fe जो है, 26 Fe आयरन के लिए देखो कैसे होगा। आयरन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। यही तो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। तो इसमें जो आउटर शेल है और पेनल्टीमेट शेल है, अब हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, तो ये हो गया 4s2, 3d6। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एस में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 3d में भरो 1 2 3 4 5, और फिर यहां से स्टार्टिंग से क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इधर से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी इस वाले इलेक्ट्रॉन की। तो आप इसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे? 4s के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टार्टिंग कैसे होगी? प्लस 2 से। कैसे स्टार्ट होगा? प्लस 2 से। और 3d के लिए क्या करते हैं हम, पेनल्टीमेट शेल के लिए जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम स्किप कर देते हैं, तो प्लस, ये वाला तो स्किप कर दिया, इसके लिए प्लस 2, और यहाँ से जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सेम इसी तरीके से लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, प्लस थ्री, इस वाले के लिए प्लस 4, प्लस 5 और प्लस 6, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 और प्लस 6। ये हो गई 6 वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी। तो अभी हमने देखा कि जो मिडल ऑफ द सीरीज है, मिडल तक तो जो वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रही है। देखो इसमें प्लस 2 3 3 है लास्ट, 4 5 6 7, मिडल तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और आफ्टर मिडल ऑफ द सीरीज डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, नेक्स्ट वाले में 5 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, ऐसे मिडल तक क्या होगी, वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, और आफ्टर मिडल ऑफ द सीरीज डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गए 6 तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम 27 वाले से स्टार्ट करेंगे। तो 26 Fe तक तो हो गए, अब हम क्या करेंगे, इससे आगे वाले एलिमेंट का देखेंगे। जो 27th एलिमेंट होता है हमारा वो होगा 27 Co, 27 Co। जब इस एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d7। क्या हो गया, 4s2 और 3d7। आउटर शेल के लिए इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे तो ये क्या आएगा, 4s2 के लिए और 3d7 के लिए। इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 3d7 के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो इसमें देखो कैसे भरेंगे, 1
2, 3, 4, 5 और फिर स्टार्टिंग से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें क्या हुआ, इस वाले डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो गई। पेयरिंग स्टार्ट हो गई तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हम उनको स्किप करके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बेसिस पे इसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 2, 1 और 2, तो इसके लिए क्या होगी प्लस 2। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेंगे हम स्किप कर देंगे और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देखो ये प्लस 3 हो जाएगा, इसके लिए प्लस 4 और ये प्लस 5। समझ में आ गया कैसे हुआ ये प्लस 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हमने डी सबशेल के स्किप किए और प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इसका मतलब क्या हुआ, जो 27 CO होता है 27 CO प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5 वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एलिमेंट है हमारा 28 Ni 28 निकेल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4s2 3d8। इलेक्ट्रॉन्स फिल करो इसमें 4s2 और 3d8 के लिए, साथ के साथ करते रहो 4s2 और 3d8। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हो गए और अब 3d8 में फिल करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की इसमें पेयरिंग हो गई। इसका वैलेंसी लिखो, इसकी वैलेंसी लिखी जाएगी प्लस 2। ये तीनों क्या करने हैं हमें स्किप, क्योंकि ये हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 3 और प्लस 4। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मिडल ऑफ द सीरीज, मिडल तक तो जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो इंक्रीज होगी और आफ्टर मिडिल ऑफ द सीरीज डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो हमने 26 आयरन का हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था और वैलेंसी निकाली थी तो इसकी प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6 आई थी। ये किसकी आई थी, 26 Fe की, और इसकी 27 CO की कितनी हो गई, 5, इसकी 4। तो आफ्टर मिडल ऑफ द सीरीज क्या हो रहा है, वैलेंसी डिक्रीज हो रही है। इसमें जो 29 है हमारा एलिमेंट 29 Cu, ये भी हमारा क्या है 24 Cr की तरह इसमें अपवाद है। इसमें देखो आप कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने 24 क्रोमियम का किया था बिल्कुल ऐसे ही 29 कॉपर का हम करेंगे। 24 Cu के लिए 29 कॉपर के लिए देखो, ऑफ बॉय के बेसिस पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d9 4s2 3d9, और स्टेबिलिटी के बेसिस पे क्या होगा, 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे हमने डी ब्लॉक के जो 3d सीरीज थी उसका स्टार्टिंग टू द एंड, यानी कि 21 Se से 30 Zn तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने किए थे तो 24 CO और 24 Cr और 29 Cu का ऐसे ही किया था। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले हम करेंगे ऑफ बॉय रूल के लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल, तो क्या हो जाएगा ये 4s1 4s2 और 3d9 के लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करो। किसके लिए, ऑफ बॉय के बेसिस पर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए,
9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे स्टेबिलिटी के बेसिस पे। स्टेबिलिटी के बेसिस पर क्या आया हमारा 4s1 और 3d10। 4s1 और 3d10 के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो देखो ऐसे आएंगे ये 4s1 3d10। ये किसके बेसिस पर है हमारा, स्टेबिलिटी के बेसिस पर। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसमें कितना आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे इसमें, पेयर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब हम इसका वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, इसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे इस बेसिस पर, यानी कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर हमारे, एस में है यहाँ पर +1, फिर यहाँ पे देखो +2 +3, क्या हो गई +3, +1 +2 और +3, क्योंकि डी ब्लॉक में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको स्किप कर देते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, किसके बेसिस पर, डी ब्लॉक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। और जो 30Zn है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था यहाँ पे, जो लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका डी सबशेल जो होता है, डी सबशेल जो होता है फुलफिल्ड होता है, फुलफिल्ड होता है, तो उसमें सिर्फ जो आउटर शेल होता है सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉन्डिंग के लिए। तो इसी वजह से ये एक से ज़्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में वेरिएशन नहीं होता है। तो आप देखो 30Zn का कैसे करेंगे, 30Zn 4s2 और 3d10, 30Zn का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटरमोस्ट शेल और पेनल्टीमेट शेल यही आता है 4s2 3d10, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और इलेक्ट्रॉन्स फिल करो इसमें। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड। और डी सबशेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इसमें देखो ये कैसे आएगा, 4s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं +2, और 3d में क्या है, एक भी इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है कहीं भी, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं इसमें, पेयर्ड हैं। तो इसमें क्या होगा, ये सिर्फ Zn जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है डी ब्लॉक सीरीज का वो एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये तो हो गए वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे हम किसी भी एलिमेंट की डी ब्लॉक सीरीज में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 3d सीरीज के लिए हो गया, आप 4d और 5d सीरीज के लिए भी ऐसे ही निकाल सकते हो। अरे उसमें भी तो 5s और 6d ऐसे होंगे, जब इसमें आउटरमोस्ट शेल 3s1 और 4s1 और 3d10 है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी तो ऐसे ही होंगे, इसमें s के लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जाएंगे और d सब शेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्किप हो जाएंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट होके वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें आपने टेबल बना ली, तो इसमें देखो अब क्या लिखा हुआ है आगे, इट मीन्स दैट मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच सीरीज कैन रिप्रेजेंट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जो सीरीज थी उसमें मिडिल तक क्या हो रहा था, मिडिल तक ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और मिडिल के बाद क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, मिडिल के बाद डिक्रीज हो रही थी। जो बीच वाला एलिमेंट था यानी कि 25 mn जो था वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा था,
प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स और प्लस सेवन. प्लस सेवन तक ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी रिप्रेजेंट करा था. क्या प्लस सेवन तक कोई भी एलिमेंट वैलेंसी शो कर रहा था? नहीं, प्लस सेवन तक कोई भी एलिमेंट वैलेंसी शो नहीं कर रहा था. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिडिल एलिमेंट होगा सीरीज का वो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी की. क्या देगा? ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी की. तो इसमें ये तो हो गया हमारा कि जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं. अब बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की. अब मैग्नेटिक बिहेवियर कल हो चुका था हमारा. मैग्नेटिक बिहेवियर में हमने आपको कुछ एलिमेंट्स दिए थे करने के लिए. हमने आपको कुछ एलिमेंट्स का बोहर मैग्नेटॉन निकालने के लिए दिया था और वो उसमें आई होप आपसे वो हो गए हो. अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो मैं भी आपको करा देती हूँ, आप एक बार फिर से समझ लीजिए. जो 25 mm दिया था एक प्लस थ्री स्टेट में, 28 Ni प्लस टू स्टेट में, और एक 27 Co था. अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये प्लस थ्री और प्लस टू स्टेट कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अब हम इसमें आगे देखेंगे 25 mm का जब हम बोहर मैग्नेटॉन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे. सबसे पहले क्या करते हैं हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो 25 mm देखो, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट ही तो है ये, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5. अब क्या करेंगे हम एक्साइटेड स्टेट के लिए 25 mm प्लस 3 स्टेट के लिए. एक्साइटेड स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इसका क्या होगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में से निकलेंगे, आउटर मोस्ट शेल में से. आउटर मोस्ट शेल कौन सा है हमारा, 4s1 और 4s2. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. हमें निकालने कितने, 3. तो 2 तो निकल जाएंगे इसमें से, ये तो हो जाएगा 0. और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा हमारा पेनल्टीमेट शेल में से, तो ये हो जाएगा 3d4. अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे डी सब शेल में. डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करो. कितना हो जाएगा, 1 2 3 4. 4 हो गए. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4. बोहर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला क्या होता था, बोहर मैग्नेटॉन निकालने का या मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए फॉर्मूला होता था अंडर रूट एन, एन प्लस टू. एन कितना है हमारा, 4 है, तो एन की जगह पे रखेंगे 4, 4 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 4 × 6, 4 × 6 = 24, अंडर रूट 24. और अंडर रूट 24 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.9. अब 4.9 कैसे आया, देखो 4 4 जा कितने होते हैं, 16 होते हैं, और 5 5 जा कितने होते हैं, 25 होते हैं. तो ये 16 से तो बहुत ज़्यादा है, और 24 क्या है, 5 5 जो 25 होते हैं, और ये क्या है, 24 25 के नियर बाय है. तो ये 4 से तो बड़ा स्क्वायर है लेकिन 5 से छोटा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4.9 मैग्नेटॉन. ये तो हो गया इसका बोहर मैग्नेटॉन. और किसी भी मेटल की नेचर यानी कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है कैसे शो करते थे हम पता करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से.
अगर किसी भी एलिमेंट के डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कैसी नेचर शो करता है? पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या हो गई, इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर हो गई। तो ऐसे ही 28 एनआई वाला करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो और 28 एनआई वाला देखो। के लिए देखो क्या हो जाएगा, 4s 2 और 3d 8 और 28 ni कैसी स्टेट में, प्लस 2 स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट है ये। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और हमें निकालने कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4s 0 और 3d 8। इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n की जगह पे क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट n, n प्लस 2 वैल्यू रखो n की, तो अंडर रूट 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया, अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को हमने सॉल्व किया था, क्या आया था, 2 अंडर रूट 2, और 2 अंडर रूट क्या आया था हमारा, 2 इंटू 1.414, और ये आ गया था हमारा 2.828 मैग्नेटॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी नेचर कैसी होगी, नेचर होगी इसकी पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसी होगी इसकी, पैरामैग्नेटिक। तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो है हमारा वो है 27CO। इसमें तो एक्साइटेड स्टेट दी हुई नहीं है, कोबाल्ट के लिए देखो 27CO के लिए क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d7, क्या हो जाएगा, 4s2 3d7, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, कितने होंगे, 7, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3। तो बोहर मैग्नेटॉन निकालने के लिए इनकी जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3 × 6, क्या हो गया ये 3 × 6, इसको सॉल्व करो, अंडर द रूट 18। अब 18 तो किसी का अंडर रूट नहीं होता, कैसे सॉल्व करेंगे हम, 3 जा कितने होते हैं 9, 4 जा 16 और 5 जा 25। तो ये किसके नियर बाय है, ध्यान से देखो ये किसके नियर बाय है, ये 16 के नियर बाय है, और 16 के नियर बाय है तो इसको कैसे करेंगे हम, इसका हो जाएगा 3.9 मैग्नेटॉन, कैसी हो जाएगी मैग्नेटॉन, कैसी हो जाएगी ये यूनिट, मैग्नेटॉन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया 27CO के लिए, ध्यान से भी नहीं देखते,
किसके लिए हो गया ये? तो ये हो गए तीनों एलिमेंट्स, कितने हो गए ये? तीनों एलिमेंट्स। तो कल वाला भी कंप्लीट हो गया, कल वाला भी हो गया ये कंप्लीट। तो आज हमने क्या करा इसमें, आज हमने पढ़ी इसमें वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें कल हम स्टार्ट करेंगे कैटालिटिक नेचर जो होती है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे कैटलिस्ट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए, कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया पॉइंट जो है इसमें आगे करेंगे हम। और अगर किसी को भी किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पर हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल है, आईडी है फिजिक्स गुरु इंडिया। फिजिक्स अंडरस्कोर गुरु अंडरस्कोर इंडिया, ये इंस्टा आईडी है, आप इंस्टा आईडी पर जाकर फॉलो कर लीजिए और वहां से आप हमसे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा और वहां पर आईडी बनाकर आपको सर्च बार में सर्च करना होगा फिजिक्स गुरु इंडिया, फिजिक्स गुरु इंडिया, और यहां से आप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको यहाँ पे वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन और नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कल स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक।